हम लगातार आपको विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी नसीराबाद विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे मकराना विधानसभा सीट की। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान का नागौर जिला विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीट का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। उन्हीं में से एक सीट है मकराना विधानसभा सीट। बता दें, दो बार यहाँ से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के रूपा राम यहाँ से विधायक है। 2013 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के पास थी और श्री राम भीचर यहाँ से विधायक बने थे। इस सीट की एक खास बात यह है कि यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत मिली है। 2023 में होने वाले चुनाव में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की ओर से सुमिता भीचर मैदान में उतरी है, तो वही कांग्रेस ने जाकिर हुसैन गेसावत को मैदान में उतारा है। वही अगर बात करें 2018 के चुनाव की, तो उस समय सीट पर कुल 2,37,202 मतदाता थे, जिनमें से 1,24,187 पुरुष मतदाता थे और 1,13,013 महिला मतदाता थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 78.4% वोटिंग हुई थी और 1,84,377 लोगों ने मतदान किया था। इस बार 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लगभग 2,70,442 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण पर गौर करें, तो ये सीट मुस्लिम, जाट, राजपूत, एससी वर्ग बाहुल्य सीट है। नागौर जिले की मकराना विधानसभा सीट पर 2013 से ही भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में इस बार यहां से कौन विधायक बनेगा, कांग्रेस वापसी करेगी या भाजपा का दबदबा कायम रहेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।